नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्दशा अब उसे प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे ले जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020 में 4% की दर से बढ़ते हुए $1,888 के स्तर पर पहुंच सकती है। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.5% की गिरावट के साथ $1,877 तक गिर सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत दक्षिण एशिया में सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल से ही आगे होगा। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश भारत से आगे होंगे। 5 साल पहले भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी बांग्लादेश के मुकाबले 40% ज़्यादा थी। अपने ही लॉ कॉलेज की छात्रा द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों से घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के मामले में नया मोड़ आ गया है। लॉ कॉलेज की छात्रा ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। इस मामले की सुनवाई लखनऊ की एक विशेष अदालत में हो रही थी। शाहजहांपुर के स्वामी सुखदेवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही 24 साल की इस छात्रा ने पिछले साल खुद ही सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि चिन्मयानंद ने 1 साल तक उसका बलात्कार व यौन उत्पीड़न किया था। स्वामी चिन्मयानंद इस कॉलेज की प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं। मंगलवार को छात्रा का बयान एडिशनल जिला जज के सामने दर्ज कराया गया। सरकार के वकील अभय त्रिपाठी के मुताबिक छात्रा ने अदालत को बताया कि उसने बदमाशों द्वारा दबाव बनाए जाने के कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ यौन उत्पीड़न व बलात्कार के आरोप लगाए थे। ज्वेलरी कंपनी तनिष्क के एक विज्ञापन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब खबर आ रही है कि गुजरात के गांधीधाम में कंपनी के एक स्टोर पर हमला किया गया है और मैनेजर से हिंदू लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए जबरन माफीनामा लिखवाया गया है। बता दें, तनिष्क के विज्ञापन में एक मुस्लिम ससुराल में हिंदू बहू गोद भराई की रस्म करते हुए दिखाई गई थी, जिसके बाद दक्षिणपंथी लोगों ने इसको लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया और ट्विटर पर तनिष्क का बहिष्कार किया, जिसके बाद कंपनी ने अपने विज्ञापन को हटा लिया था। महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा, उसके बाद विवाद बढ़ गया है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने इस पत्र की भाषा पर सवाल उठाते हुए एक शिकायती पत्र पीएम मोदी को लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा, राज्यपाल का यह पत्र किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के पत्र जैसा लगता है। राज्यपाल जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा नजरिया खेदजनक लगता है। बता दें, राज्यपाल कोश्यारी ने सीएम ठाकरे को पत्र में तंज कसते हुए कहा था कि क्या आपको कोई दैवीय प्रेरणा मिल रही है कि आप मंदिर नहीं खोल रहे हैं, कि आप अचानक सेकुलर हो गए हैं। पहले तो आप इस शब्द से ही नफरत करते थे, जिसके बाद ठाकरे ने कहा था कि उनके हिंदुत्व को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 में बदलाव के वक्त से वह हिरासत में थी। पहले उन्हें नज़रबंद रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें सख्त कानून जन सुरक्षा अधिनियम यानी PSA के तहत हिरासत में रखा गया था। महबूबा की रिहाई तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय हिरासत की सीमा खत्म होने वाली थी। बिहार चुनाव में भाषणबाजी तेज हो गई है। अब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्र में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भाषण में कहा है कि अगर बिहार में सरकार RJD की बनेगी तो कश्मीर में जिन आतंकियों का हम सफाया कर रहे हैं वे बिहार की धरती में आकर पनाह ले लेंगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने ये जिम्मा हमें सौंपा है। राय के इस बयान का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गृह मंत्री का ऐसा बयान देश में गृह युद्ध करा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं। इस दौरान नीतीश ने अपनी पहली रैली बांका जिले के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में की है, जहां उन्होंने इंटर यानी 12वीं क्लास पास करने पर हर लड़की को ₹25,000 देने की घोषणा की है, जबकि ग्रेजुएट करने पर हर लड़की को ₹50,000 की आर्थिक मदद देने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने बिहार में बिजली व्यवस्था पर सरकार का कामकाज गिनाया। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने पायल घोष पर लगाए मानहानि के केस को वापस ले लिया है। दरअसल पायल ने बिना शर्त माफी मांग ली है, जिसके बाद ऋचा ने केस को वापस ले लिया। पायल ने कहा था कि अनुराग ने उन्हें बताया कि उनके साथ ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और माही गिल जैसी अभिनेत्रियां कंफर्टेबल हैं, जिसके बाद ऋचा ने कानूनी एक्शन लिया था। हाथरस में 19 साल की दलित लड़की से गैंगरेप की घटना के बाद अब 4 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार की घटना सामने आई है। ये घटना हाथरस जिले के ससनी गांव की है, जहां 4 साल की बच्ची के साथ उसके एक रिश्तेदार ने बलात्कार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में सरकारी सैन्य बलों और तालिबान के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। इस युद्ध के कारण हजारों परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। बुधवार को इस हिंसक संघर्ष का तीसरा दिन है, जब अफगान सैनिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत की राजधानी लश्करगाह को तालिबान के हमले से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आशंका है कि युद्ध और हिंसा की वजह से अब तक करीब 35,000 लोगों को पलायन करना पड़ा है। हालिया लड़ाई पिछले महीने शुरू हुई, अफगान तालिबान शांति वार्ता के ठीक बाद शुरू हुई है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 63,509 नए मामले सामने आए हैं और 730 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 11,45,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 72,39,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,10,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,26,000 के पार हैं। अभी तक 63 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के हाल ही में किए गए अध्ययन में पता चला है कि कोरोना वायरस 60 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। अध्ययन के मुताबिक भारत में कोरोना के कारण हुई कुल मौतों में से 45% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम थी। हालांकि 17 साल से कम उम्र वाले लोगों में मृत्यु दर 1% ही देखी गई है। इसके अलावा वायरस से मरने वालों में से 70% पुरुष हैं और बाकी बची महिलाएं हैं, यानी पुरुषों की अधिक मृत्यु हो रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,80,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,85,000 के पार हो चुकी है। वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,88,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 78,56,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,15,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 51,13,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,51,000 के करीब हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।